नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जाओ जाओ। Hey guys, welcome to डी व्लॉग्स। और आज सुबह सुबह उठा दिया है परम ने मुझे, 5 बजे उठा दिया है और अभी 5:30 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं अमृतसर, क्योंकि परम को जाना था गोल्डन टेम्पल एंड वहाँ पे उसको पानी में नहा के अपने आप को शूट करना था, है ना परम? हाँ जी हाँ जी। हेलो फ्रेंड्स, चले तो अमृतसर में पहली बार जा रहा हूँ आज गोल्डन टेम्पल, ऑब्वियसली फिर पहली बार ही जा रहा हूँ, और ट्रेन में मैं तीसरी बार जाऊँगा, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और हम लोगों को ना मतलब ऐसा है कि हम ट्रेन में बैठेंगे, उतरेंगे, गोल्डन टेम्पल जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे, घर आ जाएंगे, ऐसा सीन है। हाँ, रात को हम ऑलमोस्ट 11:15 बजे न्यू दिल्ली दोबारा वापस आ चुके होंगे। हमारा ये प्लान है, एकदम शॉर्ट प्लान है, अभी हमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, पर हम देख ही सकते हो इसको तो नींद आ रही है। मॉर्निंग में नहा धो के आया हूँ तैयार होके, पर ये तो नहाया भी नहीं है। नहा के आया हूँ, बाल छूले अभी भी गीले हैं। बाल छूने से बालों से कौन नहाता है? चुप हो जाए यार, आप सबको मालूम है छोटे लोग झूठे होते हैं। मतलब मैं गोल्डन टेम्पल जा रहा हूँ, मैं नहा के ना आऊँ? क्या भरोसा तेरा, तू गंदा आदमी है। हम लोग क्या है एक्चुअली, हमारे पास टाइम नहीं है, तो आज हमें वापस रिटर्न करना है, तो यहाँ से हम वहाँ पहुँचेंगे 2:45 बजे और वहाँ से दोबारा हमारी जो ट्रेन है 4:50 की है, सो वी हैव ओनली 2 आवर्स लेफ्ट। तो हमें 2 आवर्स में गोल्डन टेम्पल जाना भी है, खाना भी है, मथा भी टेकना है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जो लोग गए हैं, उन लोगों को मालूम है ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बट स्टिल वी होप सो कि हम ऐसा कर पाए। तो गाइस, हम ट्रेन में तो आ चुके हैं और परम मेरे पूरे रास्ते ना बेवकूफ़ बनाता जा रहा था, वो कह रहा था फट्टो वाली सीट होगी और अच्छी ट्रेन नहीं है। मैंने इसको बोला कि यार हमारी वो वाली सीट होगी ना जिसमें कुशन होता है, क्या फट्टो वाली होगी, फट्टो वाली। इस ट्रेन में पहली बार तो नहीं, दूसरी बार बैठा हूँ, और मुझे याद नहीं आ रहा मैं पहली बार ही कब बैठा था। इसमें नहीं बैठा, तो किसी और बैठा हूँ यार। सेम ऐसी थी यार, ऐसी तो बहुत सारी ट्रेन थी। हम लोग पहुँच जाएंगे अमृतसर बाय 1:45 और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं गुरुद्वारे। ट्रेन में बैठने की ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, कभी प्लेन में बैठने की भी इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई है। They have given us tea, और अगर आपको कॉफ़ी चाहिए आप कॉफ़ी भी ले सकते हो, जो कि बहुत शाना है। इसने मेरे को चाय दे दी जबकि मैं चाय पीता नहीं, वो खुद के लिए कॉफ़ी मंगवा ली इसने। ब्रेकफास्ट टाइम और हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और मैंने वेज लिया है, इसने नॉन वेज लिया है। सो आई हैव गॉट दीज टिक्कीज विद सम मटर एंड ब्रेड, एंड ही हैड गॉट सम ऑमलेट विद बटर ब्रेड। तो यही सब चल रहा है, बेचारा स्ट्रगल कर रहा है बटर खोलने के लिए। अभी 9 बज रहे हैं और हम लोग पहुँचेंगे 1:45 तक, तो काफ़ी समय है। मीनवाइल हम लोग खा के सो जाएंगे, मैं तो सोने वाला हूँ फॉर श्योर, इसका पता नहीं। हम लोग लुधियाना पहुँच गए हैं और परम तो 10 घंटे सो भी लिया, मैं फिर भी। यस, यू हैव एनी प्रॉब्लम मिस्टर परमजीत सिंह, यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं तो सोया ही नहीं था वहाँ पर। थैक के मारूंगा ना, इतने भैंस की तरह सो रहा है। और भाई अपनी सीट पर तो बैठा ही है, मेरी सीट में मतलब अपनी सीट पर इतना सा बैठा हूँ मैं। अभी ये उठ गया ना तो थोड़ा वहाँ, ये डिवाइडर ये तो अभी नीचे हो गया क्योंकि अभी ये उठ गया है, नहीं तो इसने ऐसे उठा के ऐसे पूरा ऐसे फैला हुआ था ये। बस ऐसा हो रहा है, जल्दी से पहुँचें, जल्दी से जाएं गोल्डन टेम्पल, और ये मेरे को बोल रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, और इतनी भीड़ होगी कि लोग तुझे कुचल कुचल के चले जाएंगे तेरे ऊपर से। अभी तक इतनी जर्नी में झूठ ही बोलता हुआ है, तो होपफुली ये भी झूठ ही बोल रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा कुछ ना हो। ये झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है, वहाँ पे बहुत रश होगा, बहुत ज़्यादा रश होगा वहाँ पे। बाय बोल दो, बाय। तो यहाँ पे दो लड़के हैं बेचारों ने स्टोरी देखी थी, तो वो यहाँ पे आ गए और वो यहीं पे अभी खड़े हुए थे, और बेचारे को बहुत जल्दी जाना पड़ा, बट एटलीस्ट यू गॉट द कांग्रेचुलेशंस। तेरे साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ तो ज्यादा हो वो अगर साथ में आसमान तोड़ जाएगा और काट से बाहर आ जाएगा। चुप हो जा यार, चुप हो जा, दे वर नाइस गाइस। तेरे से फोटो करा दी थी इस वजह से यार, इसकी बकवास मत सुना करो तुम, ठीक है? तुम बस मेरी बात सुना करो, जैसे फोटो करा ली नहीं तो इसे नाइस गाइस। अगर वो मुझे गाली दे रहे होते यार, वैसे लोग यार गाली दे रहे होते।
A few moments later. हम लोग अमृतसर पहुंच चुके हैं और अब हमें जल्दी जल्दी भागना है और सीधा हमें पहुंचना है गोल्डन टेम्पल, क्योंकि हमारे पास आज सिर्फ 2 घंटे हैं और 2 घंटे में हमको सब कुछ निपटाना है और हमें भूख भी बहुत तेज लग रही है, लेकिन अभी हम खाएंगे नहीं, हम सीधा पहले चलेंगे नहाएंगे देख लेंगे, मतलब रास्ते में जाते हुए रिक्शे पे कुछ खाएंगे, इंस्टेंट कुछ होगा ना, तो वैसा कुछ है ना इंस्टेंट। हाँ तो अभी हम जल्दी से जाएंगे नहाएंगे और फिर हम ट्राई करेंगे अंदर हमें दरबार कहते हैं दरबार, यस वहाँ जाने को भी मिल जाए। तो हम पहले ही लेट हो रहे थे, ऊपर से यहाँ पे जो एंट्रेंस का वो वे बंद कर रखा है क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, अब पता नहीं किस वे में प्रोटेस्ट चल रहा है, शांत स्वभाव में प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत ही भाई यहाँ पे, तो मतलब प्रोटेस्ट भी ऐसा लग रहा था कि भाई वो आरती कर रहे हैं। आप जब भी गोल्डन टेम्पल आए मेक श्योर कि अपना ट्रांसपोर्ट बाहर ही खड़ा कर दें, या फिर इट्स बेटर कि जहाँ पे आप होटल में रुके हो वहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट ही खड़ा रहने दें और वहाँ से आप रिक्शा या ऑटो करके आ सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुआ था उसमें आप फंस जाओगे। हाँ बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है जब आप आते हो तो आप अपने शूज़ वगैरह यहाँ पे दे सकते हो, इवन अपना सामान भी सबमिट कर सकते हो, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। स्नान करना था वो हमने कर लिया है, तो अब हम जा रहे हैं अंदर द्वार में, लेट्स सी कि हम टाइम पे पहुंच पाते कि नहीं, क्योंकि अब हमारे पास शायद 1 घंटा ही बचा है, 40 मिनट में हम लोग निकल जाएंगे। और अभी वैसे यहाँ पे आके ना बहुत शांति शांति सी महसूस हो रही है और पीसफुल लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग नहा भी लिए और हमने दर्शन भी कर लिए और इतना कम टाइम लगा है ना, क्योंकि मैंने जैसा कि सुना और परम भी बता रहा था कि यहाँ पे जब भी आओ तो आपको 1.5-2 घंटा आराम से लगता ही है लाइन में, बट हमें कितनी देर में हो गया परम? 21 मिनट्स में, मतलब जब भगवान चाहे ना तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ। बट अभी हम लोग यहाँ पे लंगर खाने का नहीं सोच रहे, क्योंकि अगर हम खाएंगे तो खाने बैठेंगे तो बहुत ही लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, हम निकलेंगे, हमारा जो सारे काम थे वो हो गए पूरे। बेसिकली अब क्या है, हमने हमको था कि हम कैसे भी करके 1 घंटे में कर लें, बट फिर बाबा जी ने चाह रहा हम 21 मिनट में करके निकल गए चुके हैं बाहर और हम इजीली सारे काम कर सकते हैं, हमें ज़्यादा कोई वो टेंशन नहीं रहेगी। यस, तो अब हम जा रहे हैं बाहर और हम कुछ बाहर खाएंगे, जो जो परम यहाँ पे डेलिकेसीज बता रहा था हम लोग ट्राई करेंगे पूरे। अभी हमारे पास हैं आराम से 30 मिनट्स और स्पेंड करने के लिए, तो उन 30 मिनट्स में हम लोग वो सब खाएंगे, लस्सी पियेंगे, छोले भटूरे, बिल्कुल छोले कुलचे, छोले कुलचे खाएंगे, ठीक है छोले कुलचे खाएंगे, लस्सी पियेंगे। हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग भी कर ली है और हमने थोड़ी पेट पूजा भी कर ली है, बट अब अमृतसर आए हैं तो अमृतसर ही कुलचा खाएंगे और हम खाने वाले हैं छोले पूरी। और परम ने लिया है, तुमने लिया है गोभी आलू, आलू आलू कुलचा लिया है और मैंने लिया है आलू पूरी। और अभी हमारे पास है मात्र 20 मिनट स्पेंड करने के लिए, तो हम लोग 20 मिनट यहाँ खाना खुना खाएंगे और फट से ऐसे भाग के जाएंगे ना धुन धुन करते हुए किसी का फैदाबाद रुकेंगे। तो पेट पूजा हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर क्योंकि हमें टाइम पे पहुंचना है। वैसे हम सोच रहे थे जलियांवाला बाग मेमोरियल हम लोग सोच रहे थे वो भी देख लें, लेकिन वहाँ पे आराम से टाइम लगता, तो फिर हमने सोचा कि नहीं हमारे वैसे टाइम नहीं है। और पर आपको कुछ कहना है? 4:10 हो चुके हैं और 4:50 की है, शताब्दी लेट होती नहीं है, इस वजह से थोड़ा जल्दी हम निकल रहे हैं कि भैया पहुँच जाए, क्योंकि यहाँ पे जाम भी लग रहा था। अच्छा ट्रिप था, छोटा ट्रिप था, बट नेक्स्ट टाइम जब हम अमृतसर आएंगे आराम से सब कुछ घूम घाम के जाएंगे, एक दो दिन रहेंगे, टाइम की जरूरत है यहाँ पे, टाइम की स्पेशली। और स्पेशली मुझे रात को गोल्डन टेम्पल जरूर देखना है क्योंकि रात को बहुत सुंदर लगता है, पर हम कह रहे हैं कि सुबह 3 बजे वाली हमें झांकी भी देखनी चाहिए, पालकी देखनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है, तो वो भी हम देखेंगे। वन डे ट्रिप था, नॉट बैड। अब चलते हैं और आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, पसंद आया तो लाइक करना। अभी क्यों कर रहा है, अभी तो हम आगे तो जाएंगे, अभी तो ट्रेन में जाएंगे, उतरेंगे, फिर उठेंगे, चलो ठीक, अभी बहुत कुछ बाकी है। ओके तो अभी हम थोड़ी देर बाद बंद करेंगे, लेट्स सी परम कितना एंटरटेन करता है ट्रेन में, ये जाते ही ना भैंस की तरह सो जाएगा क्योंकि इसने नान खा लिए, कुलचे खा लिए, छोले खा लिए, पूरी खा ली और लस्सी पी ली है। नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जाओ 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 भैया, जाओ निकलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो, नहीं है छुट्टे, आगे बढ़ो, नहीं आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो। मैं वहीं पे ब्लॉग खत्म कर रहा था लेकिन परम ने बोला नहीं अभी तो हम ट्रेन में बहुत फन करेंगे, आपने परम का फन तो देख ही लिया होगा, मैंने आपको दिखाया परम का फन। सो गाइस अब ये ब्लॉग यहीं पे, फन तो दिखाया जो तू मुंह खोल के सो रहा था ना वो दिखाया मैंने तेरा फन।
मैं तो अकेले फन कर रहा था। मैंने भी अपने इंस्टाग्राम पे इसके लिए पोस्ट किया था, वो भी जरूर देख लेना। हाँ बिल्कुल। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होने वाला है शादी व्लॉग।